हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, फाइनली Redmi ने आज अपना Redmi Note 10 सीरीज में नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। पहले Note 10 सीरीज की अगर हम बात करें तो 10, 10 Pro और 10 Pro Max बिक रहे थे। अब 10S भी यहां पर इंडिया में लॉन्च हो चुका है, प्राइस पॉइंट आ चुकी है, स्पेसिफिकेशन आ चुके हैं, सारी चीजें यहाँ पर बाहर निकल के आ चुकी है। मैं पहले ही आपको कह दूं कि ये स्मार्टफोन काफी सही है, लेकिन आज की डेट में मैं आपको इंडिया में इसे परचेस करने को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। तो क्यों नहीं परचेस करूंगा, क्या कुछ प्रोज है, कौन से, सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक का टारगेट एकदम 3000 लाइक्स का, आई होप कि आप पर अप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, जो Redmi Note 10 है स्मार्टफोन है, ये Amazon एक्सक्लूसिव रहने वाला है। 18 मई को यहाँ पर इसका पहला फ्लैश सेल आपको Amazon पर देखने को मिलेगा। तो डायरेक्टली आप परचेस कर सकते हो, एंड मी स्टोर वगैरह अगर खुलता है लॉकडाउन के बाद में, तब वहां पर से जाके आप जो है परचेस कर सकते हो अगर आपको करना है तो। अगर हम बात करें यहाँ पर ये स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में, तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ, जो Redmi Note 10 जो 12,500 वाला वेरियंट देखने को मिलता है, और 10S जो है आइडेंटिकल स्मार्टफोन है, 2 से 3 चेंजेस वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। चलिए मैं सारी चीजें आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। बिल और डिजाइन की अगर हम बात करें, तो वही आपको बैक में पॉलीकार्बोनेट वाला बैक देखने को मिलेगा, डिजाइन यहां पर काफी सही है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें, तो अगेन 6.43 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 60Hz पे काम करता है, तो डिस्प्ले यहां पर काफी सही रहने वाला है। रैम रोम की अगर हम बात करें, तो इंडिया में 2 वेरिएंट में लॉन्च करा गया है, 664 और 628 ट्रिपल कार्ड स्लॉट आपको देखने को मिलता है, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप एंड LPDDR4X वाला टाइप भी देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस के लिए यहां पर आप बोल सकते हो थोड़ा अपग्रेड करेंगे नोट 10 के कंपैरिजन में। यहां पर आपको हीलियो G95 का चिपसेट मिल जाता है, जो कि काफी पावरफुल है, अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर आपको प्रोवाइड कराएगा। कैमरास की बात करें, तो कैमरा के मामले में भी नोट 10 जो रेगुलर वाले उससे थोड़ा अपग्रेड करा गया है। यहां पर आपको बैक में 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है, एंड सेल्फी सिमिलर आपको देखने को मिलती है। एंड्रॉइड वर्जन आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 11 मिल जाता है, MIUI 12.5 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, काफी बढ़िया बात है। एड आप बोल सकते हो बिल्कुल नहीं के बराबर है, एंड ब्लोट फ्री आप इसे कह सकते हो। तो UI के मामले में डेफिनेटली MIUI 12 के कंपैरिजन में 12.5 आपको काफी सही देखने को मिलेगा। सेंसर्स यहां पर आपको सारे देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट, IR ब्लास्टर भी देखने को मिलता है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें, तो यहां पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है टाइप सी पोर्ट के साथ में, एंड 33W का फास्ट चार्जर जो आपको बॉक्स में देखने को मिलेगा। तो ये पूरे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आपको Redmi Note 10S में देखने को मिलते हैं। ने बोला ना, ऑलमोस्ट Redmi Note 10 जैसा ये परफॉर्मेंस एंड कैमरा में आप बोल सकते हो थोड़ा अपग्रेड करा गया है। गाइस, अब बात कर लेते हैं यहां पर ये स्मार्टफोन के प्राइस पॉइंट के बारे में। तो जो 664 वाला वेरिएंट है इंडिया में लॉन्च हुआ है 15,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे, जबकि 628 वाला वेरिएंट आपको 16,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलता है। अब ओवरऑल अगर आप देखोगे, तो फोन यहां पर काफी सही लग रहा है। 15,000 रुपए वाला वेरिएंट स्पेशली मैं बोल रहा हूं, 16,000 रुपए वाला तो आप बोल सकते हो थोड़ा सी, आप बोल सकते हो 1,000 से मुझे महंगा लगा, एंड 15 वाला भी आप बोल सकते हो 14 में लॉन्च करते तो सही डील रहती, लेकिन 15 में ये भी 1,000 थोड़ा आप बोल सकते हो ऊपर चले गए। अब मैं आपके लेने से मना क्यों करो, फोन तो काफी सही है, नो डाउट 15,000 रुपए में भी काफी ज्यादा आपको जो है मसाला भर के दिया हुआ है, लेकिन ये मैं आपको रेकमेंड इसलिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप 15,000 रुपए में 664 वाला ये ले रहे हो, या 16,000 रुपए में 628 वाला वेरिएंट 10S का ले रहे हो, तो भाई 1,000 रुपए सिर्फ आप बढ़ाओगे तो Redmi Note 10 Pro मिल जाएगा, वहां पर आपको जो है ग्लास बैक देखने को मिल जाएगा, 120Hz रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, स्नैपड्रैगन 732G वाला चिपसेट देखने को मिलेगा, एंड स्लाइटली बेटर आपको कैमरास वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तब आप जो 16-17,000 रुपए में Redmi Note 10 Pro ले सकते हो, तो आप 1,000 कम करके ये स्मार्टफोन क्यों लोगे भाई। अगर जो भी लोग यहां पर ये स्मार्टफोन लेने की सोचो 15,000 रुपए में या 16,000 रुपए में, मैं सीधा सीधा बोलूंगा भाई 1,000 रुपए सिर्फ आप बढ़ाओगे दोनों वेरिएंट में, तो आपको Redmi Note 10 Pro देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कराएगा एज कंपेयर टू दिस वन। एंड अगर आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के साथ में ये स्मार्टफोन पसंद आ रहा है, तो मैं बोलूंगा 15,000 रुपए पूरे, 16,000 रुपए पूरे देने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूंगा ऑफर वगैरह का वेट करो, 14,000 रुपए में 13,500 रुपए तक के, अगर ये कार्ड डिस्काउंट वगैरह के साथ में होता है तब तो ये काफी धमाकेदार डील रहेगी। लेकिन अगर आप पूरा पूरा पैसे देके अभी यहां पर पहले फ्लैश सेल में परचेस करने वाले हो, तो मैं बोलूंगा कोई सेंस नहीं बनता है 15,000 रुपए 16,000 रुपए डालना ये स्मार्टफोन में। डेफिनेटली जो है आप नोट 10 प्रो के साथ में जा सकते हो, प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक फोन है, लेकिन इसका बड़ा भाई इससे बेटर है, वो भी सिर्फ 1,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पे। तो मेरे हिसाब से मैं सोचा आप लोग के साथ में शेयर करना तो बनता है।
हाँ मुझे कम सेक्शन में बताना गाइस, मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन आपको कैसे लगे एंड क्या आप Redmi Note 10s के प्राइस पॉइंट से आप खुश हो नहीं हो, क्या आप 10s को लेने वाले हो नहीं लेने वाले, आपके हिसाब से 10 Pro बेटर है ये बेटर है प्राइस पॉइंट के हिसाब से, जो भी आपके ऑनेस्ट ओपिनियन है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।